geography.in को सब्सक्राइब करें तथा चैनल के सभी अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो मित्रों नमस्कार, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में कलाओं के कितने रूप थे, कौन कौन से प्रकार थे, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मौर्य कला के बारे में समझते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो समय था और हड़प्पा सभ्यता का जो समय था, उसके बीच में एक गैप है, वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में भी कलाओं के कुछ रूप निकल के आए थे, लेकिन साहित्य पर उसमें ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है। तो उस पर हम एक अलग से, साहित्य पर और मृदभांड पर कुछ अलग चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, तो उस पर हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण है मौर्य काल की कला। तो मौर्य काल की कला को शुरू करते हैं। मित्रों, ये जो मौर्य काल है, मौर्य काल की कला, इसको आप दो सब हेडिंग में बांट लीजिए। एक तो इसका प्रारूप, और दूसरा कि मौर्य काल में कला की उत्पत्ति क्यों होती है, मौर्य काल में कला की उत्पत्ति क्यों होती है, और दूसरा उसका प्रारूप। तो आइए पॉइंट समझते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मौर्य काल में कला की उत्पत्ति क्यों। तो पहला तो ये कि वैदिक परंपरा थी, और वैदिक परंपरा में बहुत सारे विचार और परंपराएं और संवेदनाएं, तीन चीज़ें थी, विचार, परंपराएं और संवेदनाएं उस समय जो प्रचलित थी, जो विकसित हो रही थी, विकसनशील अवस्था में थी। तो इतिहास के विकास की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ों को आगे बढ़ाए। जैसे वैदिक सभ्यता में जो विचार महत्वपूर्ण थे, जो परंपराएं प्रचलित हो चुकी थीं, जो संवेदनाएं विकसित हो रही थी, उन्हीं को लेकर के मौर्य साम्राज्य में लाया जा रहा था। तो जो कला और संस्कृति की जो जिम्मेदारी होती है, सभ्यता के विकास की जो स्वाभाविक जिम्मेदारी होती है, वो ये भी होती है कि वो पीछे से परंपराओं को ढोता है, पीछे से संवेदनाओं को ढोता है, विचारों के लिगेसी को वो आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य में भी ये हो रहा था। वैदिक परंपरा के जो विचार और परंपराएं थी, संवेदनाएं थी, वो आगे बढ़ रही थी। तो ये भी मौर्य कला में देखने को मिलता है। इसके अलावा नव उदित धर्मों, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया जा रहा था। दरअसल ये जो दौर था, उस दौर में पहले ये हो चुका था कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव क्यों हुआ था, सबसे पहली बात ये है। तो दरअसल वो एक क्लैश का परिणाम था, समाज में प्रचलित कुरीतियों और बुराइयों को मिटाने का एक आंदोलन था। तो उस आंदोलन को भी प्रिवेल करना था, वो आंदोलन भी आगे आना था, उस आंदोलन के जो सूत्र थे, विचार थे, उसको भी आगे आना था और उसको संरक्षण देना था। तो इसलिए भी मौर्य कला इसको संरक्षण देने का प्रयास करता है। संरक्षण देने के प्रयास में ही मौर्य कला की उत्पत्ति होती है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, राजत्व का प्रसार। तो आप, राजत्व एक शब्द है, राज्य, और राज्य की अनिवार्य चीजें क्या क्या होती हैं। पहले तो उसकी संप्रभुता हो, उसका एक भूगोल हो, उसकी जनसंख्या हो, संप्रभुता हो, भूगोल हो, जनसंख्या हो, इत्यादि सब चीजें, एक सरकार हो वहां पे, तो सरकार होगी तो संप्रभु सरकार होनी चाहिए। तो कोई जो राज्य है वो अपने को संप्रभु कैसे दिखाएगा, जब वो अपने डिसीजन खुद ही करे और इसका प्रतीक छोड़े, प्रतीक प्रदर्शित होने चाहिए, उसकी संप्रभुता की निशानी दिखनी चाहिए। तो संप्रभुता, उस राजत्व के संप्रभुता की निशानी राजकीय प्रतीकों के रूप में दिख रही थी। तो राजकीय प्रतीकों के रूप में जैसे स्तंभ का निर्माण और ऐसे शिलालेखों का निर्माण, वो सब दिया जाता था। मतलब मौर्य साम्राज्य में एक संप्रभु शासक था जो अपने राजत्व को राजकीय प्रतीकों के माध्यम से जनता में प्रेषित कर रहा था। तो इसलिए भी राजकीय प्रतीक के माध्यम से, मतलब स्तंभों के माध्यम से राजत्व का प्रसार किया जा रहा था। तो एक ये भी चीज़ होगी, संप्रभुता को ही दिखाने के लिए।
दूसरा युद्ध उस समय होते थे और युद्धों में कोई हारता था कोई जीतता था, तो युद्धों में विजय के उपलक्ष्य में भी चीज़ें निर्मित की जाती थी, इससे भी कला का प्रसार हो रहा था। तो ये सब कला की उत्पत्ति के कारण है। एक और चीज़ आपने देखा कि उच्च महापाषाण काल में भी कला के कुछ रूप निकल के आए थे, गुफाओं में चित्रकारी वगैरह हो रही थी। पाषाण काल का तो जो हुआ हुआ ही, इस समय में हड़प्पा सभ्यता में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से कला विकसित हो रही है, और उस समय ज़्यादातर टेराकोटा से चीज़ें आ रही थी, कुछ पत्थरों पर नक्काशी हो रही थी, लकड़ी पर भी नक्काशी के अनुमान है, लेकिन उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उस पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर उस समय को कनेक्शन बना के थोड़ा देखिए कि हड़प्पा काल में जो नक्काशी लकड़ी पे होती थी वो मौर्य काल तक आते आते नहीं टिक पा रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो अग्निरोधक नहीं है, मतलब आग लग जाएगी तो उसको जलना है, और दूसरा कि वो क्षरणशील है, उसमें बैक्टीरिया वायरस फंगस कवक के माध्यम से और भी जलवायु के परिवर्तन की वजह से भी लकड़ियाँ बचती नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए भी एक महान साम्राज्य का निर्माण हो रहा था, तो उस समय यह इतिहास बोध ये भी कहता था कि जो चीज़ें इस समय बन रही हैं तो कम से कम वो अग्निरोधक हों ताकि आगे आने वाले समय में वो प्रमाण के रूप में अस्तित्व में रहें। तो इसलिए भी युद्ध में कला का भौतिक विकास जो हो रहा था वो लकड़ी से पत्थर की ओर हो गया था, लकड़ी से पत्थर की ओर। अब मतलब चीज़ें पत्थर की भी बननी शुरू हो गई थी और लकड़ी की तो बन ही रही थी। अग्निरोध कारण ही है। इसके अलावा जब अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई थी, शासन बहुत मजबूत हो गया था, तो जनता में रोजगार की भी आकांक्षाएं थी, रोजगार की आकांक्षाएं भी पूरी हो रही थी इसके कला के माध्यम से, तो रोजगार को भी बल मिल रहा था। एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वैश्विक जुड़ाव। उस समय ये भारत में जो महान मौर्य साम्राज्य था उसका वैश्विक जुड़ाव भी था, मेगास्थनीज का आना इत्यादि ये सब उदाहरण है कि किस तरह से बाहरी देशों से भी लोग भारत में आते थे और भारत में आ करके यहाँ की चीज़ों को समझते थे और समझ करके बाहर ले जाते थे। तो अब आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि वहाँ से जो चीज़ें थीं वो भी यहाँ पे आती थीं, यहाँ पे प्रेषित होती थी, वहाँ के राजाओं का इंटरेस्ट इधर भी हो रहा था और यहाँ के का इंटरेस्ट वहाँ भी हो रहा था। तो वहाँ पे जो स्थापत्य कला का विकास हुआ था उसका प्रभाव भारत पर पड़ना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वहाँ से देशों का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उस समय भी था, मेगास्थनीज का आना और यहाँ से भी राजदूतों का जाना ये सब लगा रहता था, तो वैश्विक जुड़ाव भी था। तो इन कारणों की वजह से कला की उत्पत्ति तो हुई ही, कला को और प्रगति का कारक भी इन सब चीज़ों को माना जा सकता है। कला के विकास के जो कारक हैं वो ये सब हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अब देखा जाए कि मौर्य कला का जो प्रारूप है उसको समझते हैं। तो मौर्य कला का जो प्रारूप है उसमें सबसे पहले आप चीज़ों को बांट सकते हैं दरबारी कला के रूप में और लोकप्रिय कला के रूप में। तो दरबारी कला के रूप में आप एक तो चीज़ हो गया महल या किला, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तूप, और लोकप्रिय कला में गुफाएं मृदभांड और मूर्तियां, इन तीनों रूप में बांट सकते हैं। दरबारी कला को आप एक तरह से कह सकते हैं स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, क्योंकि देखिए महल किला स्तंभ स्तूप सब उसी तरह के हैं, और लोकप्रिय कला में आप इन सब चीज़ों को देखिए आप कैसे बांट सकते हैं। आप पहले पढ़े थे वीडियो नंबर 2A और 2B, इसमें आप देखे थे कला के हम जब विभिन्न रूप बांटे थे तो एक अनुप्रयोगी कला पर भी हमने चर्चा किया था। अनुप्रयोगी कला, अनुप्रयोगी कला कैसी कला होती है? जो थ्री डायमेंशनल होती है, 3D, थ्री डायमेंशनल होती है, जो जिसकी कुछ लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है और जिसमें कुछ मोटाई होती है, उसको 3D बोलते हैं। तो जैसे मृदभांड और मूर्तियाँ, ये 3D तो है, ये गुफाओं पर भी काम चल रहा था, और ये दरबार से हटके शासकों से हटके भी अन्य कलाकार भी इन सब चीज़ों को बना रहे थे। कोई जरूरी नहीं था कि ये सिर्फ दरबार में ही बन रहा था, ये बाहर भी बन रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए ठीक है, समझते हैं अपने महल और किला को देखते हैं कि महल और किलाओं की उत्पत्ति क्यों होती है और कैसे वो बनते हैं।
तो एक हेडिंग है उत्पत्ति क्यों। तो साम्राज्य का वैभव, जो साम्राज्य का वैभव था, हमने पहले ही चर्चा की कि जब कोई साम्राज्य निर्मित होता है, जब कोई शासक होता है, तो जो जब राज्य का अस्तित्व तो आता है, तो उसमें सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या और भूगोल, ये चार चीज़ें हैं वो आनी है। लेकिन वो चार चीज़ें बड़ी सॉलिड रूप में दिखनी चाहिए, बड़े ठोस रूप में दिखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए महान भवनों का निर्माण किया जा रहा था। ये पश्चिम की परंपरा रही है, पश्चिमी देशों की परंपरा रही है। वो अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, साम्राज्य के वैभव को दिखाने के लिए, साम्राज्य की शक्ति को दिखाने के लिए और साम्राज्य के पास जो संभावनाएं हैं उनको दिखाने के लिए वो महान भवनों का, बड़े बड़े किलाओं का निर्माण करते थे। उससे भी भारत का जो साम्राज्य था, भारत के जो नए राजत्व के सिद्धांत उत्पन्न हो रहे थे और जो नए राजा उत्पन्न हो रहे थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को अपनाया और अपना करके साम्राज्य का वैभव दिखाने के लिए, उसको प्रतिबिंबित करने के लिए किलाओं का निर्माण किया, बड़े बड़े महलों का निर्माण किया। ठीक है, दूसरा कारण वैश्विक जुड़ाव, हमने पहले ही देखा। अब ईरान के पर्सेपोलिस, ईरान में पर्सेपोलिस का अकमेनियन महलों का एक प्रारूप था, अकमेनियन, अकमेनियन वहाँ पे जो महल थे उनसे भी प्रेरणा मिली थी, तो इसलिए भी यहाँ पे जो विशाल भवनों का निर्माण हो रहा था। अब सवाल उठता है कि वो विशाल भवन किस चीज़ से बनते थे, क्या पत्थर से बनते थे? नहीं, अभी लकड़ी से ही बन रहे थे, अभी लकड़ी से जो विशाल भवन बन रहे थे वो लकड़ी से बन रहे थे। हाँ जरूर, उसमें कुछ हिस्सा पत्थरों का लगता होगा, जोड़ने के लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ा हिस्सा था वो लकड़ी का था। ठीक, तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? उदाहरण पाटलिपुत्र का महल जो चंद्रगुप्त मौर्य का था वो भी लकड़ी का था, और कुम्रहार का महल जो अशोक का था वो भी लकड़ी का था। और इस तरह के महलों को का प्रारूप आप एक देख सकते हैं कि देखिए, 3 मंजिला है, एक मंजिलीय, दूसरा मंजिलीय और तीसरा मंजिलीय, और इसमें ऊपर स्तंभ लगा हुआ है। तो और ये केंद्रीय स्तंभ है, ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं केंद्रीय स्तंभ है, और सबसे ऊपर वाला मंजिल, फिर दूसरा मंजिल, फिर तीसरा मंजिल, दरवाजे इस तरह से उसमें लगे होते थे, बड़े बड़े विशाल दरवाजे लगे होते थे। 3 मंजिला कुम्हार का महल तो 3 मंजिला है, लकड़ी से निर्मित है, और दीवारों पर नक्काशी हुई है और मूर्तियाँ, नक्काशी और मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो मौर्य काल में जो कला के प्रारूप थे उसमें जो महल और किला थे वो इस तरह के थे। अब देखते हैं और स्तंभ में देखिए, सबसे पहले तो देखें कि उत्पत्ति क्यों, स्तंभ की उत्पत्ति क्यों। तो हमने पहले ही बात किया था कि भाई स्तंभ जो होते हैं वो राजत्व के प्रसार के लिए, राजत्व के प्रचार के लिए, चीज़ों को लोगों के सामने बताने के लिए और अपने सत्ता को दिखाने के लिए, जो आदेश हैं उन चीज़ों को बताने के लिए स्तंभों का निर्माण किया, तो राज के प्रतीक के रूप में ये निर्माण किया गया था। मतलब जहाँ जहाँ भी लग गया तो ये हो गया ना कि इस पर, इस साम्राज्य का अधिकार था, तो राज के प्रतीक के रूप में। इसके अलावा युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में, अगर कहीं युद्ध होता था तो उस पर विजय होता था या जो भी होता था, तो उस पर चीज़ें लिख दी जाती थी कि हमने इस तरह से जीता और इस तरह से ये काम हुआ था, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, इतने लोग मरे, इतने लोग जिंदा हुए, इतना खर्च आया, ये सब चीज़ें लिखी जाती थी। और राजकीय उपदेशों का प्रचार, उस समय के जो राजा थे वो अपनी जनता को अनुशासित रखने के क्रम में चीज़ों को जब बताते थे तो वो इसी माध्यम से बताते थे। शिलालेख होते थे, शिलालेखों पर चीज़ें लिख दी जाती थी। आप मौर्य साम्राज्य अशोक के शिलालेख आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे शिलालेख हैं, 13-14 शिलालेख हैं, उन सब पर सब इसी तरह का है। तो अगर स्तंभों के स्वरूप की बात की जाए तो दो तरह के हैं, लघु स्तंभ शिलालेख और दीर्घ स्तंभ शिलालेख। लघु स्तंभ शिलालेख मतलब जो छोटे हैं, जैसे एक स्टैंडर्ड हाइट अगर औसतन आप कहेंगे तो 40 से 45 फीट की हाइट के बहुत सारे स्तंभ मिलते हैं, 40 से 45 फीट की हाइट के बहुत सारे स्तंभ मिलते हैं, जिसमें से कुछ इससे भी छोटे हैं और जिसमें से, तो जो इससे छोटे हैं उसको लघु स्तंभ शिलालेख और जो इससे बड़े हैं उसको दीर्घ स्तंभ शिलालेख इसको बोलते हैं। तो लघु स्तंभ शिलालेख रुमिनदेई नेपाल और निगलीवा निगाली सागर और सांची रायसेन एमपी सारनाथ और कौशाम्बी, तो
तो जो उत्तर प्रदेश के होंगे वो तो सारनाथ वाला देखे भी होंगे। रुमिंदई नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे राम ग्राम नाम से एक म्यूनिसिपैलिटी है, उसी के अंदर ये पड़ता है रुमिंदई। तो और निगलिवा भी वहीं पे है, तो वहाँ पे लघु स्तंभ शिलालेखों के ये प्रारूप है। इसके अलावा आप दीर्घ स्तंभ शिलालेख के बारे में आप देख सकते हैं, मेरठ में टोपरा हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे प्रयाग अपनैलाबाद लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण बिहार का एक जिला है वहाँ पे पड़ता है, लौरिया अरराज वहीं पे है, रामपुरवा ये भी बिहार में है। तो रामपुरवा में दो तरह के स्तंभ मिलते हैं, एक के सिर पे सिंह बैठा है जिसमें कुछ लेख लिखा हुआ है, लेख लिखा हुआ है, और एक के सिर पे दूसरा जो है उस पे बैल बैठा हुआ है, और बैल सिंगल है, एक ही बैल है, उस पर कोई लेख नहीं लिखा हुआ है। तो यह स्तंभ था। अगर स्तंभों के तो बहुत सारे रूप हैं, और लेकिन एक मॉडल फिक्स है, और स्तंभ का जैसे जैसे ये है स्तंभ, तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका मॉडल अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे स्तंभ की बात की जाए तो वो सब एक ही समान है। तो एक मॉडल स्तंभ की बात करें, मॉडल पिलर की बात करें, तो धर्मराज का स्तूप है सारनाथ में, धर्मराज का स्तूप, और धर्मराज का स्तूप का ये जो है प्रारूप है, आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा धर्मराज का स्तूप यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा जो है एक ही पत्थर का बनाया हुआ है तराश करके, इसको शाफ्ट या स्तंभ बोलते हैं। इसके ठीक ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको उल्टा कमल बोलते हैं, प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल, प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल, और ये कुछ ऐसे है। और ठीक इसके ऊपर एक आधार टाइप का रखा हुआ है, आधार टाइप का, जिसको या तो कहीं कहीं कंठ मिलता है, कहीं कहीं शीर्ष मिलता है, कहीं कहीं ललाट मिलता है। तो आप शीर्ष शब्द का इस्तेमाल करें, शीर्ष, और इसको अंग्रेजी में अबैकस बोलते हैं, अबैकस, अबैकस। तो अबैकस के ऊपर जो अबैकस है, अबैकस में ही एक इस तरह का चक्र बना हुआ है, 32 तीलियों वाला, 32 तीलियों वाला चक्र के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कुछ जानवरों के आकार बने हैं, जिस पे कौन कौन से जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, सिंह, सांड, और चक्र तो है ही है। तो हाथी, घोड़ा, सिंह और सांड, ये सब चीज़ें इस शीर्ष पर या अबैकस पर बने हुए हैं इस चक्र के अगल बगल, ठीक है। इसके ऊपर और चारों दिशाओं में ये चक्र है, जैसे इधर का भी अगर हम 3D इमेज लिए होते तो इधर भी ये चक्र दिखता, इधर भी दिखता, और इसके इस साइड भी दिखता। तो ये सब हो गया। इसके ऊपर सिंह बैठे हुए हैं, और सिंहों की संख्या सामने से अगर एक साइड से आप देखेंगे तो 3 ही सिंह दिखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन अगर इसके पीछे वाले साइड में देखेंगे तो चौथा है। तो कुल मिला के ये 4 सिंह यहाँ पे बैठे हुए हैं ऊपर पे, तो 4 सिंह मूर्तियाँ हैं। अब सवाल उठता है, ये तो मॉडल है, और कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पे हाथी बैठी हुई है, कहीं कहीं पे जैसे आप रामपुरवा बिहार में एक स्तंभ है वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बैल बैठा हुआ है। तो इस तरह से स्तंभों के रूप अलग अलग हैं। अब ये मॉडल स्तंभ है, और चूंकि इसको इसलिए ज़्यादा आप जब चित्र बनाएं परीक्षा में जब आप लिखें तो इसी मॉडल को बनाइए बनाइएगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अगर आप प्रश्न इसको टच करते हैं और इस तरह से लिखते हैं तो आप इसी मॉडल को बनाइएगा। अब इसकी और चीज़ें देखते हैं, इस तरह का मॉडल क्यों आया, ये 4 सिंह जो मूर्तियां हैं वो क्यों। तो धम्म चक्र पवत्तन ये पाली में है, ये पाली में लिखा हुआ है, पाली। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये होगा धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन जो है इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने धर्म की शुरुआत कर दी, और इस शुरुआत की प्रतीक का है। तो शुरुआत किस रूप में होना चाहिए कि चारों दिशाओं में होना चाहिए, और किस लिए होना चाहिए, लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। तो ये जो चारों मूर्तियां दिख रही हैं वो 4 दिशाओं का प्रतीक है, और किस लिए है, तो सिंह के रूप में है। जो दिग्घ निकाय है, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दिग्घ निकाय, उसमें कई बार तो महात्मा बुद्ध को सिंह
सिंह के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। तो सिंह का यहाँ पे मांस भक्षी के रूप में नहीं है, बल्कि सिंह का शक्ति के रूप में प्रतीक है कि शक्ति चारों दिशाओं में फैलेगी तो उसका लोक कल्याण होगा। मतलब शक्ति का एक सकारात्मक स्वरूप जब चारों दिशाओं में फैलेगा, शक्ति का सकारात्मक जब परिवर्तन होगा चारों दिशाओं में होगा, तो उसका अलग ही असर पड़ेगा। तो ये है तो लोक कल्याण के लिए, और लोक कल्याण कैसा हो, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय प्रकृति का हो। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, जो भी राजनीतिक चीज़ों पर अपनी नज़र रखते होंगे, तो उत्तर प्रदेश में जो पहले सुश्री मायावती ने शासन किया था, 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उनकी पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी का जो टैग लाइन है वो यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत सारे बस सर्विसेज चली थी जिसका नाम था बहुजन हिताय, बहुत सारी योजनाएं चली थी जिसका भी टैग लाइन होता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो यहाँ से भी ध्यान देना चाहिए। और ये किसका बना हुआ है, तो बलुआ पत्थर का बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ और कि जो ये स्तंभ होते हैं वो क्या स्तंभों पर, मतलब मौर्य साम्राज्य में के दौरान जो स्तंभ निर्मित हुए थे उनका, उन पर किसी का असर है कि नहीं, क्या विदेशी असर है कि नहीं। हाँ है, हमने जो बात की थी कि ईरान के पर्सेपोलिस में अकमेनियन महल बनते थे, तो अकमेनियन महलों में स्तंभ भी बनते थे, अकमेनियन स्तंभ भी बनते थे, तो उनसे प्रेरित था। लेकिन अंतर था, अंतर क्या था कि जो अकमेनियन महल बनते थे और अकमेनियन महलों में जो स्तंभ बनते थे वो छोटे छोटे टुकड़े में बनते थे तो बहुत सुंदर थे और बहुत विशाल बनते थे, लेकिन उन बहुत सारे पत्थरों को जोड़ दिया जाता था और पत्थरों को जोड़ करके स्तंभ तैयार किया जाता था। लेकिन भारतीय स्तंभों की, मतलब मौर्य साम्राज्य के स्तंभों की एक खासियत है कि वो एकास्मक होते थे, रॉक कट होते थे, मतलब एक ही रॉक लिया जाता था, एक ही चट्टान ली जाती थी और उसको तराश तराश करके वो उसको स्वरूप दिया जाता था, जोड़ा नहीं जाता था। तो अपने आप में ये ज़्यादा गौरवशाली है। तो अंतर यही था कि अकमेनियन स्तंभों से प्रेरित थे लेकिन ये एकास्मक नहीं होते थे, ये वो अकमेनियन वाले एकास्मक नहीं होते थे बल्कि ये एकास्मक होते थे। एकास्मक, एकास्मक मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ एकास्मक। तो ये हमारे रहे स्तंभ। आपने क्या देखा, उत्पत्ति क्यों हुई, स्वरूप आपने देख लिया, स्तंभ का प्रारूप देख लिया और स्तंभ के कुछ लक्षण देख लिए। तो आप जब आंसर करें तो ये भी लिखें। इसके अलावा हम स्तूप देख लेते हैं। स्तूप आगे जो बात कर रहे थे वो स्तूप की बात कर रहे थे। आप स्तूप देखिए इस तरह से, स्तूप ये है, स्तूप का एक मॉडल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे छोटा सा एक मॉडल बना दिया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्तूपों की उत्पत्ति क्यों हुई, स्तूपों की उत्पत्ति क्यों हुई। तो जैसा कि हमने मौर्य साम्राज्य के कला की उत्पत्ति के बारे में समझा था, तो एक एक पॉइंट ये भी समझा था कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं थीं जो वैदिक काल में उत्पन्न हुई थीं और वैदिक काल में प्रचलन में आ जाने के कारण वो अच्छी भी थी। परंपराएं जो अच्छी होती हैं वो भविष्य की वाहक हो जाती हैं, भविष्य में चली जाती हैं। तो उसी तरह से जो वैदिक काल में जो परंपराएं थीं, मौर्य साम्राज्य के शिल्पियों ने, कलाकारों ने उन विचारों को वहाँ से प्राप्त किया, जैसे कर्णकांडी विचार भी थे, तो वहाँ से उन चीज़ों को प्राप्त किया और प्राप्त करके आगे बढ़ाया। तो उस तरह की एक और चीज़, तो यहाँ पे देखिए वैदिक काल की परंपरा से आया हुआ, वैदिक काल की परंपरा से आया हुआ। और वैदिक काल की परंपरा से आया क्यों, हो सकता है कि उस समय स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट आ गया। तो जब स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट आ गया हो तो फिर उसमें यह भी हो कि सबों को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि लगभग अवतार की तो अवधारणा नहीं थी, लेकिन ये भी था कि अपने रेवरेंस को दिखाने के लिए, श्रद्धा को दिखाने के लिए, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को दिखाने के लिए सबों को रखा जाता था। हो सकता है कि पुनर्जन्म का जो बौद्ध दर्शन है उसमें पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चेतना का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं। तो उस उन्हीं अब एक कनेक्शन था पुनर्जन्म के, मैं बहुत दर्शन की डिटेल में नहीं जाऊंगा, वहाँ पे एक कनेक्शन है। तो उसी को बचाए रखने के लिए, उसी को बचाए रखने के लिए सावधान, मतलब सौ सौ के जो खास खास चीज़ें, जो बाल है, दांत है, हड्डी है और सब चीज़ें तो गल जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को बचाए रखने के लिए और फिर उसी उनके फॉलोअर्स को, उनके अनुयायियों को श्रद्धा से जोड़े रखने के लिए
इस तरह के प्रयोग किए जाते थे। तो समाधान रखने के लिए इस तरह के स्तूप बनाए जाते थे, ये वैदिक काल में भी बनते थे। तो वैदिक काल से ही इन सब चीज़ों को यहाँ पे लिया जाता था, जो टीले बनाए जाते थे। तो एक ये मॉडल है। हाँ, अब ये देखते हैं कि वो स्तूप महात्मा बुद्ध के क्यों बने। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, तो जब उनको उनके शरीर के अवशेष को, राख को जब उनको जलाया गया, तो एक कलश में उस राख को रखा गया, एक कलश में उस राख को रखा गया, और इस कलश के पदार्थों को जब बौद्ध धर्म में बहुत सारे बंटवारे होने लगे, तो इन सब चीज़ों को, और इसके अलावा भी बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए में इन चीज़ों को 8 जगह पे बांटा गया, 8 भाग में बांटा गया, और 8 भाग में बांट करके 8 स्थानों पर इसे स्थापित किया गया, 8 स्थानों पर स्थापित किया गया। और 9वां क्या, अब ये जो बचा कलश, 9वां हिस्सा जो बचा कलश, कलश को भी एक स्थान दे दिया गया, तो प्लस एक स्थान। तो इन 8 स्थानों को जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं अष्ट महास्थान, अष्ट महास्थान। ये यूपीएससी के खास प्रश्नों में ये शामिल है, ये मतलब आता ही आता है, एक प्रश्न यहाँ से अष्ट महास्थानों से, मैंने बौद्ध धर्म से रहता ही है। और एक स्थान जो इस कलश के लिए दिया गया, तो कुल मिलाकर के 9 स्थानों पर ये स्तूप बनाए गए, 9 स्थानों पर स्तूप बनाए गए। अब ये 9 स्थान कौन कौन से हैं? तो ये 9 स्थानों पर स्तूप बनाए गए, और 9 स्थानों पर ये कौन कौन से, राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, बेठपीड़, पावा, कुशीनगर और पिपलीवन, ये वो स्थान है जहाँ पे डायरेक्ट महात्मा बुद्ध के समाधान रखे गए हैं। और एक स्थान जो सांची का स्तूप है वो है, वो उसको अशोक ने बनाया था। तो अष्ट महास्थानों में उसकी गिनती नहीं होती है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये जो मॉडल है स्तूप का वो किस तरह का है। आप एक बड़ा सा गुंबद देख रहे हैं, ये जो गुंबद देख रहे हैं इसको स्तूप गुंबद बोलते हैं, स्तूप गुंबद, स्तूप गुंबद। इसके चारों तरफ इसका चक्कर लगाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए एक पथ होता था, ये पथ है, मैं जिधर इंडिकेट कर रहा हूँ ये पथ, इसमें बीच बीच में ऐसे ऐसे लोग चलते रहते थे, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे करके चलते रहते थे, इसका चक्कर लगाते थे। और ये रेलिंग है, उसको घेर दिया गया है रेलिंग से। और ये एक आप देख रहे हैं सीढ़ी है, और एक सीढ़ी ये है, इस रेलिंग में, इसके अंदर, इस प्रदक्षिणा पथ में घुसने के लिए यहाँ पे ऐसे बना दिया गया है। तो ये रेलिंग की ऐसे बाउंड्री है, और ये बाउंड्री भी एकास्मक पत्थरों को तराश करके ही बनाई गई है। इसके अलावा इस पूरे पूरे स्थापत्य को एक कंपाउंड से घेर दिया गया है, सबसे बाहरी वाली ये पत्थरों का बना है, तो इसको आप लिख सकते हैं पत्थर का बाड़ा, ये पत्थर का बाड़ा है। ये सीढ़ी है चलने के लिए, तो और 2 सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी ये है और एक सीढ़ी ये है, तो इन सीढ़ियों को आप लिख सकते हैं सीढ़ीदार रास्ता इसमें चढ़ने के लिए। हाँ, और ये जो लंबे लंबे स्तंभ हैं, स्तंभों को आप देख ही चुके हैं, उन्हीं स्तंभों को यहाँ पे मॉडल बनाया था। तो इसको बोला जाता था तोरण, तोरण। तो अगर मैप पर इसको एलोकेट करना हो, तो मैप ऐसे होता है, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। तो ये कौन सा हुआ, वेस्ट, तो ये पश्चिमी, पश्चिमी तोरण। ये जो है पूर्वी तोरण, पूर्वी तोरण।
और ये जो है दक्षिणी तोरण, दक्षिणी तोरण, और इसके इस साइड में उत्तरी तोरण आपको आएगा। गुंबद के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हर्मिका, हर्मिका। और एक ये है छत्र, छत्र। और ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं, छोटा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं यस्ति। एक रॉड दिख रहा है, इसको बोलते हैं यस्ति। इसके अलावा जो इस कंपाउंड में घुसने का जो मेन गेट है वो ये है, आप देख रहे हैं ये सीढ़ी, ये स्तंभों पर टिका हुआ इस तरह का। अगर कोई सारनाथ स्टेशन पे गया हो, अगर कोई कहीं नहीं गया हो, सारनाथ स्टेशन से होके गुजरा हो, तो वहाँ पे इस तरह का गेट देखने को मिलता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जा करके देख भी सकते हैं। सारनाथ पास ही में है, तो अगर बौद्ध मौर्य साम्राज्य के कला को ठीक से महसूस करना है, न केवल पढ़ना है बल्कि महसूस भी करना है, तो आप वहाँ पे सारनाथ पे जाइए। और सारनाथ में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सारनाथ नहीं जा सकते, अगर आप किसी दूर के क्षेत्र में रहते हैं, तो आप पास के किसी म्यूजियम में जाइए, म्यूजियम में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये स्तूप है, तो स्तूप का विशेष जो प्रयोग था वो समाधान रखने के लिए था। ये कोई मंदिर नहीं था, लेकिन श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा होती थी। बाद में जब बौद्ध धर्म आप पढ़ेंगे तो इसके और प्रारूप बदलते स्वरूप को आप देखेंगे। तो हमने दरबारी कला के महल, स्तंभ और स्तूप को पढ़ लिया, और इसके अलावा अब लोकप्रिय कला में गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियां देखनी है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको इतना ही तक रखते हैं, ताकि आपका भी, कई बार क्या होता है ना कि घंटे भर की वीडियो होती है तो देख के ही डर लगने लगता है कि कौन पढ़े घंटे भर का है। तो वीडियो छोटे छोटे होते हैं तो समझने समझाने में भी और थोड़ा सा दिमाग पे भी लोड कम पड़ता है। तो